हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज समीकरण हल करना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, आपके लिए तीन क्वेश्चन लिए हैं जो अलग अलग प्रकार से हैं। देखिए फ्रेंड्स, इन तीनों क्वेश्चन को आप देखते हैं तो आपको समीकरण बनाने में किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है कि 2x-4=8 है। देखिए फ्रेंड्स, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिले तो आप दो तीन पॉइंट ध्यान दीजिएगा। आपको पॉइंट ध्यान क्या देना है कि हमेशा अक्षर वाले संख्या को एक साइड रखेंगे और अंक की जो संख्या होती है उसको एक साइड रखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका अक्षर वाला है तो इसको इसी साइड रखिए, 2x, ठीक है। अब क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह देंगे। जो अंक वाली संख्या होती है उसको पक्षांतर कर, देखिए यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 8 लिख लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, इस साइड पक्षांतर करेंगे। जब इसको इस साइड पक्षांतर करते हैं तो इसके जो सामने चिन्ह होगा उस चिन्ह को बदल देते हैं। यदि धन होगा तो ऋण करेंगे, ऋण होगा तो धन कर देते हैं। यहाँ ऋण 4 है तो इस साइड आगे कितना हो जाएगा, धन 4 होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2x, देखिए 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12। देखिए फ्रेंड, जब यहाँ पे 2x अक्षर में किसी संख्या साथ में होता है तो इसको 2 के इधर पक्षांतर करेंगे। जब पक्षांतर करेंगे तो ये 2 कहाँ पे आ जाएगा, हर में आ जाएगा। तो x इसी प्रकार लिखिए, 12 2 को पक्षांतर करेंगे हर में आ जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 का भाग कितने में, 12 में देंगे तो कितना होगा, 2×6=12। तो फ्रेंड्स, ये तो था आपका बेसिक कंसेप्ट समझाने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो आपका अगला क्वेश्चन है, आपका दूसरा क्वेश्चन है कि 3x-4/2 = 2x-1/4, इसको कैसे हल करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी मिले आपको तो इसका यहाँ पे क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। यहाँ पे जो हर में होगा इसका गुणा यहाँ पे तिर्यक करेंगे। यहाँ पे 3x है तो 3x लिखिए, माइनस कितना है, 4 है तो 4 लिख लीजिए, और इसमें कितना का गुणा करना है, 4 का, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 4 लिखेंगे। बराबर यहाँ पे 2x-1 है, 2x-1 लिखिए। यहाँ पे 2 का गुणा करना है तो यहाँ पे 2 लिख लीजिए। अब आपस में गुणा कर लीजिए। देखिए 4 का 3x में करेंगे, यानी कि 4 के किस में करेंगे, 3x में, तो कितना होगा, 4×3=12x होगा। माइनस का चिन्ह है तो माइनस कर दीजिए। अब 4 का ही गुणा किस में करना है, 4 में, तो 4×4=16 होगा। बराबर का चिन्ह है, बराबर कर दीजिए। देखिए 2x में करेंगे तो कितना, 2×2=4 होगा, एक्स हो जाएगा। अब 2 का एक गुणा किस में करना, 1 में, यहाँ माइनस चिन्ह है तो माइनस करा दीजिए। 2 का 1 में करेंगे, 2×1=2 हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अभी आपको बताए हैं कि जितनी भी अक्षर वाली संख्या होती है एक साइड कर लेंगे। तो यहाँ पे कितना है, 12x है, तो 12x रहने दीजिए, ठीक। अब 12x के बाद क्या करना है कि इस 4x को इस साइड पर, यानी 4x को इधर लाना है। तो 4x इधर आ जाएगा तो कितना, -4x होगा। बराबर देखिए, यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे -2 रहने दीजिए। अब इस 16 को क्या करना है, इस सेट पक्षांतर करना है। देखिए -16 है तो चिन्ह बदल जाएगा पक्षांतर करते समय, तो प्लस आपका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 12x में से 4x घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8x होगा। बराबर अब देखिए 16 में से, यानी प्लस और माइनस होता है तो घटाते हैं संख्या को, तो 16 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 14 बचेगा। अब देखिए x का मान ज्ञात करना है तो इस 8 को क्या इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हर में आ जाएगा, यानी 14/2 कितना हो जाएगा, 8। यानी कि x का मान कितना हो गया फ्रेंड्स, आपका 14/8, यही आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यदि आप इसको समझ लेते हैं तो आप क्वेश्चन लगा लेंगे। देखिए x-2/3 = x/2-1 है, ठीक है। इसको हल करना है, कैसे हल करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, क्या करते हैं कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपको मिले तो इसको पहले हल कर लिया जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 ले लेंगे, पहले इस पक्ष को हल कर लीजिए, इसको इसी प्रकार उतार लीजिए। x-2/3 है तो रहने दीजिए। बराबर देखिए फ्रेंड्स, जब 2 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 होगा, ठीक है। यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे 1 का 2 में भाग देंगे, 2×2=2 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे कि आपको यहाँ पे तिर्यक गुणा कर लेंगे, यानी कि इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें। देखिए इसका उठा के इसमें गुणा कर लीजिए, इसका इसमें कर लेते हैं। देखिए 2 का गुणा करेंगे, यानी 2×(x-2) लिखेंगे, बराबर का चिन्ह है, बराबर का। 3 का इसमें करना है, 3 यहाँ पर रहने दीजिए, x-2 है तो x-2 लिखिए। अब हल करिए, देखिए 2×(x) में करेंगे तो 2x हो जाएगा, और इसी 2 का इसमें करेंगे तो 2×2=2 कितना हो जाएगा, 4, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का। बराबर 3×(x) में करेंगे तो 3x हो जाएगा, यहाँ माइनस का तो माइनस का चिन्ह, और 3×2 में करेंगे 3×2=6 हो जाएगा। अभी फ्रेंड्स क्या बताएं आपको कि अंक वाली संख्या को एक साइड रखिएगा, अक्षर वाली संख्या को एक साइड। देखिए ये अक्षर है तो 2x यहाँ पर रहने दीजिए। अब 3x का क्या कीजिए कि इस साइड पक्षांतर करेंगे, तो देखिए इसके सामने धन का चिन्ह है तो माइनस कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा।
बराबर माइनस छः, तो माइनस छः रहने दीजिए। इस चार को इधर पक्षांतर कर लीजिए, तो देखिए इसके सामने माइनस इधर इधर आ गया, क्या प्लस चार हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तीन एक्स में से दो एक्स से घटाएंगे तो कितना बचेगा, आपका एक्स बचेगा। इसके सामने किस में से घटाएं, तीन एक्स में से घटाएं दो एक्स को, तीन एक्स के सामने चिन्ह किस चीज़ का, माइनस करते हैं, यहाँ पर क्या रखेंगे माइनस बराबर। देखिए छः में से चार घटाएंगे तो कितना होगा, आपका दो होगा। किस में से घटाएं, छः में से, तो इसके सामने चिन्ह किस चीज़ का, माइनस का, तो माइनस में। देखिए फ्रेंड्स, जब भी आपको इस साइड भी माइनस मिले, इस साइड भी माइनस मिले, तो माइनस से माइनस काट देते हैं, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका दो। एक्स बराबर जो दो आ रहा है फ्रेंड्स, यही आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस प्रकार का जब भी आपको क्वेश्चन मिले, तो जैसे हम बताए हैं उसी प्रकार आप यदि हल करते हैं तो आप किसी भी समीकरणों को बहुत आसानी पूर्वक हल कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।